है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिले में इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के पथराव में एसपी सदानंद के सर पर पत्थर लगने के कारण वह घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौजूद किया गया है, जहां कुछ दिनों से धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकजुटता दिखाते हुए चर्च में पथराव कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोकने पहुँचे एसपी घायल हो गए, लेकिन स्थिति पर पुलिस ने काबू कर लिया है। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं है, मामला काफी दिनों से चल रहा है, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। और तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्वहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद जो निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएन 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।